मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस को धन्यवाद कहना चाहती हूँ आज ये इवेंट के लिए मुझे इनवाइट किया गया। और ये सेल्फ डिफेंस का इवेंट बच्चे लोग ये प्लेटफॉर्म दिया है और बच्चे लोग सीखा गया है, एक्सपीरियंस करवाया मेंटली फिजिकली क्या बूस्ट और यू नो स्ट्रांग बनाने के लिए ये इवेंट सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम रखा गया। ये बहुत बहुत अच्छा है, मेरे दिल से मैं कह रही हूँ कि आजकल बच्चे लोग को ये इवेंट्स का बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइज करने का। तो एट द सेम टाइम मुझे भी बुला गया, शायद मुझे आस लगा बच्चे लोग बहुत इंस्पायर होगा साथ साथ और कॉन्फिडेंस होगा और बहुत मोटिवेट होगा। और इसमें ये बच्चे लोग का फ्यूचर में मैं ये बोलना चाहूंगी, फ्यूचर में कुछ किए और स्ट्रांग बन के लड़की लोग को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे भी एक वो हूँ, लीडर हूँ, मतलब कि इंस्पिरेशन का। तो मैं कहीं भी जा रही हूँ तो नॉट ओनली किड्स, नॉट ओनली चिल्ड्रन, इवन ऑल द वुमेन्स यू नो इन डिफरेंट फील्ड, जो मैं ये उन लोगों का ये स्पीच देती हूँ कि उन लोगों का मेंटली यू नो फिजिकली मैं मॉरल सपोर्ट और उन लोगों को मेंटर करके आया हूँ इस ये प्रोग्राम के भी। अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया बच्चे लोग का फ्यूचर में, ये मतलब ये उम्र है अदर यू नो ये इन द बिगिनिंग मीन्स, तो ये हम लोग बहुत ये प्रोग्राम आगे में और अच्छा मतलब कंटिन्यूसली बार बार किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, फायदा होगा बच्चे लोग के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा रहेगा आगे में जो भी अचीव करना चाहता है जिंदगी में, तो ये लोग का ये मोटिवेट हो जाएगा। मैम नेक्स्ट मंथ ओलंपिक के बॉक्सिंग से कितना मेडल एक्सपेक्ट कर रही थी, कितने आएंगे? मैं दुआ करती हूँ अपना बॉक्सरों को मेडल जीत के आए और सच बताऊंगी तो मैं एक्सपेक्ट कितना करूं ना करूं ये बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मतलब बॉक्सिंग बॉक्सिंग गेम होता है कि एक बार मैच हार गया तो कब चांस है, नॉकआउट गेम्स है, तो फिर शायद ड्रॉ अच्छा मिले और मेडल तक पहुंचे और मेडल लेके आए देश के लिए, ये मेरे दुआ है भगवान से और सारे देश का दुआ है। और अपना मैन वुमेन दोनों अच्छा परफॉर्म करके मेडल लेके आए, यही मेरा विश है। कि किस तरह से आप जितने भी बॉक्सिंग के लिए जाएंगे अभी प्लेयर्स जाएंगे उसके लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स आपके द्वारा दी जा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी यहाँ टिप्स ट्रिक्स दी देखे हमने, हाँ इसके लिए टिप्स ट्रिक्स आप क्या देंगे? टिप्स क्या दे दूँ, अच्छे से प्रिपरेशन जो इधर से किया है, जो ये गेम्स विलेज में जब तक अपना मैच ड्रो जब तक नहीं आ, ये कंटिन्यूस वो पैच अच्छे से रखी जाना चाहिए, रिकवरी ठीक से लेना चाहिए, टाइम टू टाइम में खाना चाहिए, टाइम टू टाइम में रिकवरी लेना चाहिए और मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फोकस स्ट्रांग होना चाहिए और ये होगा तो जरूर क्यों हमारा मतलब उन लोगों के तरफ से क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि उसमें गेम्स विलेज में जो भी यू नो डिस्टर्ब होगा क्या और ठीक से ट्रेनिंग नहीं किया और ठीक से रिकवरी नहीं लेगा तो फिर मेरे ख्याल से वो उन लोगों का परफॉर्मेंस में इफेक्ट हो जाए, तो ये सब कुछ छोड़ के अच्छे से फोकस है और मेंटली स्ट्रांग है और ड्रो दुआ करती हूँ कि आज से ड्रो आए और मेडल लेके आए ये।